नाजरीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले पेश है सुर्खियां। कबाली अफराद की बनाई हुई मसनूआत को वसी बाजार तक पहुंचाने के लिए हुकूमत कोशां, वजीर आजम नरेंद्र मोदी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू में फॉरेस्ट रिसोर्स मैनेजमेंट सेंटर का किया इफ्तिताह, जंगलात के तहफ्फुज पर दिया जोर। फौज ने टंगडार में दरअंदाजी की एक कोशिश को बनाया नाकाम, एक दरअंदाज हलाक, हथियार और गोले बारूद बरामद। और तुर्की और शाम में आए हालिया जलजले से मरने वालों की तादाद 41,000 से मुतजावज। अब खबरें तफसील के साथ। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हुकूमत इस बात को यकीनी बनाने के लिए मुसलसल कोशिशें कर रही है कि कबाली अफराद की बनाई हुई अशिया ज्यादा से ज्यादा मार्केट तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि कबाली बिरादरी की मसनूआत की मांग में इजाफा हो रहा है। वजीर आजम आज नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में कबाली कौमी फेस्टिवल आदि महोत्सव का इफ्तिताह करने के बाद इजहार ख्याल कर रहे थे। वजीर आजम ने कहा कि दुनिया को पायदार तरक्की, आब हवा के चैलेंज और आलमी तमाजत समेत आलमी चैलेंजों के खिलाफ जद्दोजहद के बारे में भारत के कबाली अफराद से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। वजीर आजम ने जोर देकर कहा कि तालीम और कबाली बच्चों का मुस्तकबल हुकूमत की तरजीहत है और मुल्क में एकलव्य मॉडल रिहायशी स्कूलों की तादाद में 5 गुना इजाफा कर दिया गया है। वजीर आजम मोदी ने मोटे अनाजों को फरोग देने की जरूरत पर भी जोर दिया क्योंकि दुनिया मोटे अनाजों का बैन अक्वामी साल बना रही है। आदि महोत्सव में 28 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के 1,000 कबाली फनकार हिस्सा ले रहे हैं। फेस्टिवल इस महीने की 27 तारीख तक जारी रहेगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज नरवाल जम्मू में फॉरेस्ट रिसोर्स मैनेजमेंट सेंटर का इफ्तिताह किया। बाद में उन्होंने वहां मुनक्कद एक प्रोग्राम के दौरान नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम की भी शुरुआत की। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि इस सहूलत और तकनीकी जदीदियत की बदौलत जंगलात को तहफ्फुज़ फराहम करने और जंगलाती इलाकों के इंतजाम को मजीद मुस्तकम बनाने में मदद मिलेगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने महकमे जंगलात के अफसरों से तलकीन की कि वो इस जदीद टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करें ताकि जंगलात के तहफ्फुज़ के जरिए माहौलियात को आलूदगी से बचाया जा सके। LG ने कहा कि जिस जगह पेड़ काटने की जरूरत आन पड़े वहां नए पौधे लगाए जाने चाहिए। मनोज सिन्हा ने फराइज की अंजामदेही के दौरान मारे गए जंगलात महकमे के एहलकारों को खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर जंगलात के प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर के अलावा कई अफसरान और दीगर कुछ शख्सियात मौजूद थीं। इस दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जम्मू के जगती कॉलोनी और बोटानगर में महाशिवरात्रि के सिलसिले में मुनक्कदा तकरीबात में शिरकत की। उन्होंने पंडित बिरादरी को त्यौहार की मुबारकबाद देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर को आपसी भाईचारे और रवादारी के लिए जाना जाता है। यह बात काबिले जिक्र है कि महाशिवरात्रि कश्मीरी पंडितों का एक अहम त्यौहार है और कश्मीरी पंडित इस त्यौहार को हेरत के नाम से मनाते हैं और इस सिलसिले में जम्मू में वल्यू समूह के तहत प्रोग्राम मुनक्कद किया गया है। नाजरीन, खबरें जारी है, पहले रुकते हैं एक वक्फे के लिए। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनी, चौकन्ने रहें। कुपवाड़ा के टंगडार सेक्टर में गुजश्ता शब फौज और पुलिस ने दरअंदाजी की एक कोशिश को नाकाम बनाते हुए एक दरअंदाज को हलाक किया। तफसीलात के मुताबिक 15 और 16 फरवरी की दरमियानी शब 3 मिलिटेंटों को जिस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल पार करने की कोशिश करते हुए देखा गया तो फोर्सेज एहलकारों ने उन्हें ललकारा। दरअंदाजी की कोशिश कर रहे इन मिलिटेंटों ने फोर्सेज एहलकारों पर गोलियां चलाई और जवाबी कार्रवाई में एक दरअंदाज मारा गया जबकि एक जख्मी हो गया। SSP कुपवाड़ा युगल मनहास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसीलात देते हुए कहा कि मारे गए मिलिटेंट से 2 राइफल और कुछ गोले बारूद बरामद किया गया है। उन्होंने कहा कि मारे गए मिलिटेंट की शनाख्त अभी तक नहीं हुई है। कल ये रात को एक इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट हुई थी जिसकी इतला पहले से ही मौसूल हुई थी। एक उस पर से सिक्योरिटी फोर्सेस का भी जो पहले तो मैं बताता चलूं कि एक तो अपना मैकेनिज्म होता है लेकिन खसूसी तौर पे क्योंकि एक इनपुट भी था और इस पर जो अपने लेवल के जो भी एम्बुश वगैरह करने की ज़रूरत होती है वो किए हुए थे। और एक इंटरसेप्शन हुई जिसमें एक ग्रुप जो टेररिस्ट का था उनने फायर शुरू किया सिक्योरिटी फोर्स की मूवमेंट को देख के। रिपल्शन में एक टेररिस्ट जो है वो मारा गया है और क्योंकि 2 राइफल्स और बाकी कुछ एम्यूनिशन वगैरह बरामद हुआ है जिसमें एक AK राइफल है और एक MP राइफल है और ये लगता है कि बाकी साथी जो है वो पीछे क्योंकि ये LOC पे ही एनकाउंटर जो हुआ है और बाकी साथी जो है पीछे पाकिस्तान की तरफ भाग गए हैं।
पुलिस ने आज बाद दोपहर शहर के कमरवारी इलाके का उस वक्त मुहासरा किया जब वहां गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी। पुलिस ने ट्वीट में कहा कि आज दोपहर के बाद कमरवारी में गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद इलाके का मुहासरा किया गया और सूरत हाल के बारे में तफसीलात हासिल की गई। तहम पुलिस ने कहा कि किसी भी तरह के किसी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। फौज ने जम्मू कश्मीर में अग्निवीर स्कीम के तहत भर्तियों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू कर दिया है। यह अमल 15 मार्च तक जारी रहेगा। इस भर्ती अमल में जम्मू डिवीजन के सभी 10 अजला से ताल्लुक रखने वाले ख्वाहिशमंद उम्मीदवार दरख्वास्त दे सकते हैं। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार फौज की सरकारी वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर दरख्वास्त दे सकते हैं। ऑनलाइन इम्तहान 17 अप्रैल 2023 से शुरू होंगे, जिसके बाद कामयाब उम्मीदवारों की फिजिकल भर्ती रैली प्रोग्राम के मुताबिक होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोग इंतहा दर्जे की इकतसादी बदहाली का शिकार हो गए हैं और इस खत्ते में बेरोजगारी उरूज पर है। आज हजरतबल में एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मरकजी सरकार और जम्मू कश्मीर इंतजामिया लोगों का ध्यान असल मसाइल से हटाने के लिए मुख्तलिफ हरबे आजमा रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर विकार उसूल वानी ने इल्जाम आयद किया है कि मरकजी हुकूमत की गलत पॉलिसियों के नतीजे में जम्मू कश्मीर के लोग मसाइल में मुबतला हो गए हैं। श्रीनगर में पार्टी कारकुनों के इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस नाइंसाफियों के खिलाफ अपनी जंग जारी रखेगी और उन्होंने कहा कि इन्हदामी कार्रवाई के दौरान गरीब लोगों के आशियाने ढाई जाते हैं और इस तरह की कार्रवाई फिलफौर बंद की जानी चाहिए। इस मौके पर कई सियासी शख्सियात ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। श्रीनगर के डिप्टी मेयर परवेज अहमद कादरी ने एसएमसी के कमिश्नर से मुतालबा किया है कि उस हुक्मनामे को वापस लिया जाना चाहिए जिसमें दूधगंगा के आसपास रहने वाले लोगों को तजावजात हटाने के लिए कहा गया है। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डिप्टी मेयर ने कहा कि एसएमसी के कमिश्नर और मेयर कॉरपोरेशन के कवानीन की खिलाफवर्जी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आलूची बाग से छतरबल तक दूधगंगा के आसपास रहने वाले लोग सख्त परेशानी में मुबतला हो गए हैं और वो अपनी फरियाद लेकर एसएमसी दफातर के चक्कर काटते हैं। उन्होंने कॉरपोरेशन के कमिश्नर से मुतालबा किया है कि वो इस ताल्लुक से लोगों को एहसास तहफ्फुज दिलाने के लिए आगे आए। जनूबी कश्मीर के कुलगाम जिले में वाका मशहूर सियाहती मकाम एहरबल में आज से दो रोजा विंटर कार्निवाल का आगाज हुआ, जिसका इफ्तिताह जनूबी कश्मीर के डीआईजी पुलिस मोहम्मद रईस भट्ट ने किया। इफ्तिताही रस्म के मौके पर डीआईजी ने नौजवानों के एक ग्रुप को हरी झंडी दिखाकर ट्रैकिंग के लिए रवाना किया। इस मौके पर कुलगाम के डीडीसी चेयरपर्सन और डिप्टी कमिश्नर के अलावा इंतजामिया के दीगर अफसरान भी मौजूद थे। अपने ख्यालात के इजहार करते हुए इंतजामिया के अफसरान ने कहा कि कार्निवल के इनेकाद का मकसद कुलगाम में सरमाई सियाहत को फरोग देना है। कार्निवल के दौरान कुछ खेल मुकाबलों के अलावा तमद्दनी प्रोग्रामों का इनेकाद भी होगा। बड़गाम के डिप्टी कमिश्नर एसएफ हामिद ने आज शेखपुरा में पंडित कॉलोनी का दौरा किया और महाशिवरात्रि के आसन इनेकाद के लिए किए गए इंतजाम का जायजा लिया। उन्होंने पंडित बिरादरी को त्यौहार की मुबारकबाद देते हुए वहां जरूरी अशिया की फराहमी यकीनी बनाने की अफसरान को हिदायत दी। यह बात काबिल जिक्र है कि बड़गाम जिला इंतजामिया की जानिब से शेखपुरा कॉलोनी में मछलियों, सब्जियों, अखरोट और दीगर अशिया के खसूसी सेल काउंटर लगाए गए हैं। बाणीपोरा के जिला इंतजामिया ने आज एक खसूसी कार्रवाई करते हुए गुरेज में एलओसी के नजदीक वाका गांव गुजरा से एक मरीजा को हेलीकॉप्टर के जरिए बाणीपोरा पहुंचाया, जहां उसको बरवक तिबी इमदाद फराहम की गई। तफसीलात के मुताबिक जिला इंतजामिया को इत्तला मौसूल हुई कि गुजरा में एक खातून सख्त अलील है और इलाके में 10 फुट बर्फ जमा होने की वजह से उसको अस्पताल पहुंचाना नामुमकिन है। डिप्टी कमिश्नर ने इत्तला मिलते ही मरीजा को हेलीकॉप्टर के जरिए बाणीपोरा पहुंचाया, जहां से बाद में मुतलका एजेंसी ने फौरी कार्रवाई करते हुए उस मरीजा को गुजरा से बाणीपोरा पहुंचाया और इस तरह उसकी जिंदगी बचाई गई। मकामी लोगों ने इंतजामिया की इस कार्रवाई की सराहना की है। शबे मेराज की मुनासिबत से आज वादी की मुख्तलिफ मसाजिद खानकाहों और ज्यारतगाहों में दीनी मजालिस का अहतमाम हुआ। श्रीनगर के तारीखी खानकाह मौला में तौबे इस्तिगफार और नातो मनाजात की एक महफिल मुनक्कद हुई, जिसमें वादी के मुख्तलिफ इलाकों से आए अकीदतमंदों ने शिरकत की। आसार शरीफ शहरी कलाशपोरा, पिंजोरा शोपियां, जनाब साहब सोरा और आसार शरीफ लाल बाजार में भी इस तरह की मजालिस का इनेकाद हुआ। इस दौरान सरकर्दा आलम दीन मरहूम मौलाना गुलाम नबी हमदानी का 64वां यौम विसाल आज मनाया गया। खानकाह मौला में मुनक्कद तकरीब पर मुकर्ररीन ने मरहूम को शानदार खराज अकीदत पेश किया। तुर्की और शाम में जलजले से मरने वालों की तादाद बढ़कर 41,000 से ज्यादा हो गई है। सेहत से मुतलिक हुकाम इस कोशिश में लगे हुए हैं कि लोग अब बीमारियों से महफूज रहें। तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान ने कहा है कि हजारों इमारतों के नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है और यह काम एक हफ्ते में पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि चंद महीनों में तामीर नौ का काम शुरू किया जाएगा।
खेलो इंडिया मुहिम के तहत फौज की जानिब से कुपवाड़ा के पंजगाम इलाके में खवातीन के लिए सुनो क्रिकेट टूर्नामेंट का अहतमाम किया गया, जिसमें क्रालपोरा और मिलियाल से ताल्लुक रखने वाली चार टीमों ने शिरकत की। अपनी नौयत के इस पहले टूर्नामेंट में खवातीन खिलाड़ियों ने जोश खरोश के साथ हिस्सा लिया। टूर्नामेंट के दौरान कई खेल शायकीन और आम लोगों ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। फौज के अफसरों ने कहा कि जिले की खवातीन खिलाड़ियों को प्लेटफॉर्म मुहैया कराने के लिए इस तरह के खेल मुकाबलों का इनेकाद किया जाता रहेगा। कुलगाम से ताल्लुक रखने वाली एक और लड़की ने खेल के मैदान में बैन अक्वामी सतह पर बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है। कुलगाम की मारिया सहर ने नेपाल के शहर काठमांडू में रवा महीने की 3 से 6 तारीख तक मुनक्द हुए 7वें बैन अक्वामी सुकाई चैंपियनशिप में हिस्सा लिया और इस मुकाबले में गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा करके सोने का तमगा हासिल किया। मारिया सहर ने अपनी कारकर्दगी पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि लगन और मेहनत से अहदाफ को हासिल किया जा सकता है। मैंने अपना फर्स्ट इंटरनेशनल जो है नेपाल काठमांडू में खेला और वहां पे मेरा गोल्ड आया है और ये मैं जो है स्केम मार्शल आर्ट ये हमारी अपनी गेम है कश्मीर की और इसको मैंने परस्यू किया है वहां पे। मुकाबला जो था हमारा नेपाल से था। वहां पे असल में 6-7 कंट्रीज थी और लेकिन मेरा जो मुकाबला था वो नेपाल से हुआ था और जब मैंने जीता तो मेरी एक फाइट आई थी और जब मैंने जीता तो बहुत खुशी महसूस हुई थी उस वक्त। अभी बहुत खुशी है क्योंकि मैंने अपनी कंट्री को भी एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है हमारे लिए और मेरी फैमिली भी मुझ पर बहुत प्राउड फील कर रही है अभी, तो इसलिए मैं बहुत खुश हूँ अभी। और अब मौसम। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 14.4 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 1.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 26.6 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 11.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। चाहता है मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DDNews श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा यह खबरें यूट्यूब पर भी दस्तियाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।